नाज़रीन, हुंजा का जो बालाई इलाका है गुलमित, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, बोज लंच रेस्टोरेंट, जो कि बड़ा मशहूर है। और यहाँ पर लोग जो है सयाह बड़ी तादाद में आते हैं, और यहाँ पर जो देसी खाने बनाते हैं ये ख़वातीन इसको चलाती हैं, तो यहाँ पर बड़े रश होता है। इस वक्त हम इनके पास आए हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या बना है। नाज़रीन, यहाँ पर लिखा बग़ैर इजाज़त के किचन में दाखिल ना हो, तो हम इनसे इजाज़त लेते हैं और इनके किचन में दाखिल होते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर इस वक्त इस बर्फ़ली मौसम में क्या पकाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो बोज लंच की ऑनर है रशीदा रहमत, वो यहाँ पर है, हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने आज क्या पकाया। Salan het, morgen salani, or dem surigin schwezindrem, otalis kuchtban, skarsch drem ruizindrem schrachwost, or zem gnam gazgpset, or drem mochi, krit mochi, soup. To dem surigin soup, pit schwezin, gach kark schwezin, or shukareki, chitesh, pokor boris ei. Nazrin, ye jo hotel hai yahan pe self-service hai, customer ko khud jaake अपने फूड लाना पड़ता है। तो ये एक कस्टमर यहाँ पर है, उन्होंने सूप लाए हैं और वो इस सर्द मौसम से सूप से लुत्फ़ानंदोज़ होने के लिए यहाँ आए हैं, हम उनसे भी जानते हैं। ये एक होटल है जी, यहाँ ख़वातीन इसको रन कर रही हैं और ये बहुत मशहूर है, टूरिस्ट हो या लोकल वो यहाँ पे आते हैं और लोकल डिशेस एंजॉय करते हैं यहाँ पे। तो मैं भी इधर से गुजर रहा था तो बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इस वक्त जो है सूप एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत टेस्टी है, लोकल इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें। मैं यही कहूँगा कि जो जिसको भी ठंड लगे आए यहाँ पे सूप एंजॉय करें, मज़ेदार भी है। अराउंड जो है ना, आप देख लें, आपके इर्द गिर्द बर्फबारी भी हो रही है और उसको भी इंजॉय करें, साथ साथ गर्म भी हो जाएं।